मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबर मिल रही है। तो सीएम चेहरे को लेकर अब धीरे धीरे सस्पेंस हट रहा है। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मोहन यादव, और काफी संघर्ष के बाद राजनीति में एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। एक बीजेपी के स्थापित नेता के तौर पर उनकी छवि है। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में उन्हें शुमार किया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के नाम पर सहमति बनी है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री पद तक पहुंचने के लिए 40 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा था। आपको बता दें कि पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं और सरकार में उन्हें मंत्री बनने का मौका भी मिला। कई बार वो अपने बयानों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में भी रहे हैं, और 1982 में आपको बता दें उन्होंने एक काफी संघर्ष के साथ अपना जो करियर है वो शुरू किया था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री रह चुके हैं। 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रिंस, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर सहमति बन चुकी है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर। क्या जानकारी इस पर? और